नमस्कार, जय गणेश। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब का चैनल एस्ट्रोलॉजी नरेश। आज का ये वीडियो है चंद्र राहु के ग्रहण योग के बारे में। कुंडली के प्रथम स्थान के अंदर चंद्र और राहु का ग्रहण योग कैसा फल देने वाले होंगे इसके बारे में। तो प्रथम स्थान के अंदर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है इसके लिए, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है के प्रथम स्थान जो है वो जन्म लग्न माना जाता है। यहाँ से कोई भी जातक का स्वभाव, उसका नेचर, उसका हेल्थ, ये सब कुछ देखा जाता है। जो मस्तिष्क का भाग होता है ये प्रथम स्थान के अंदर से देखा जाता है। तो कोई भी जातक क्या करने वाला है, क्या कर सकता है, उसकी क्या कैपेसिटी है, ये प्रथम स्थान से उसके बल, उसका लग्न बल कितना है ये जानने से हमको पता चल सकता है। तो प्रथम स्थान के अंदर चंद्र और राहु कैसा फल देने वाले होंगे, तो एक बात आपको बता दें कि जो लग्न है ये इस स्थान के अंदर जो पड़ने वाले ग्रह होते हैं वो बलवान बन जाते हैं, चाहे वो उच्च के हो चाहे वो नीच के हो। उच्च के ग्रह हो तो बहुत शुभ फल देंगे, नीच के ग्रह हो तो भी बलवान बन जाते हैं, क्योंकि लगन के अंदर जो कोई भी ग्रह आ जाता है वो बलवान हो जाता है। तो इस ऐसा हमने प्रैक्टिकली देखा है कि लगन स्थान के अंदर, प्रथम स्थान के अंदर जो कोई भी ग्रह आ जाते हैं बहुत शुभ फल देते हैं। चंद्रा प्रथम चंद्र जो कारक हैं वो मन के कारक माने गए हैं, माइंड। भले चंद्र नीच राशि के हो लेकिन प्रथम स्थान के अंदर हो, वृश्चिक के चंद्र हो तो मन स्थिति मजबूत बना देते हैं, तो माइंड पावर एक्सट्रीमली सूप कर देते हैं। और मन स्थिति मजबूत होने के कारण जातक भले धीरे धीरे प्रोग्रेस करता है लेकिन प्रोग्रेस जरूर करता है। अब बात करेंगे साथ लगन के अंदर राहु ग्रह के बारे में। तो राहु का फर्स्ट हाउस में रिजल्ट क्या होगा, राहु जो है वो आसमान के कारक हैं, उत्तर ध्रुव के कारक हैं, और राहु जो इसको ऊर्ध्व गति के विचार करवाएंगे, मतलब इसका जो थिंकिंग है बहुत हाई होगा, अपर लेवल की ओर जाने के लिए उसके दिमाग में थिंकिंग होता रहेगा। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर क्या होगा कि लग्न में चंद्र और राहु है, ये जातक येन केन प्रकारेण लाइफ के अंदर प्रोग्रेस कर जाते हैं, मतलब कुछ भी करके उसको आगे बढ़ना है, उसको ये बहुत अच्छा सेंस होता है उसके अंदर, क्योंकि राहु जो है ये कलयुग के कारक ग्रह है और चंद्र जो है वो मन के कारक हैं। ये दोनों का कॉम्बिनेशन फर्स्ट हाउस के अंदर जो कोई भी जातक का है तो उसको आगे बढ़ने के लिए, लाइफ के अंदर प्रोग्रेस करने के लिए एक बहुत अच्छी सिचुएशन क्रिएट करते हैं। ये इसका पॉजिटिव इफेक्ट हो गया। अब इसका नेगेटिव इफेक्ट क्या होगा, क्योंकि चंद्र और राहु का जो योग है इसको ग्रहण योग बोलते हैं, तो ग्रहण योग की सिचुएशन के अंदर ग्रहण के कारण, चंद्र राहु योग ग्रहण योग के कारण इसमें क्या होगा कि चंद्र जो है वो दूषित हो जाते हैं, जिसके कारण माइंड के अंदर जो उसका जो विचार करने का परिस्थिति है उसको पॉजिटिव के साथ साथ इसको नेगेटिव भी कर सकते हैं, और कुछ भी करके आगे बढ़ना है तो ऐसा गलत डिसीजन लेके, कुछ गलत काम करके आगे जाके फंसने के भी योग बनते हैं। तो इसको ग्रहण योग के कारण क्या हो कि मन की शांति जो है वो भी दूषित हो जाती है, चंद्र दूषित होने के कारण गलत डिसीजन लेने की संभावना बढ़ जाती है, और गलत डिसीजन माने लॉसेस लाइफ के अंदर, और ख़ास करके ऐसे जातक अपने पार्टनर के बारे में डिसीजन लेने में गड़बड़ कर जाते हैं, क्योंकि जो चंद्र और राहु की संयुक्त दृष्टि आपके सप्तम स्थान के अंदर होगी, दाम्पत्य जीवन के अंदर होगी, तो खास करके विवाह यानी कि मैरिज को लेकर ऐसे जातक दुखी होंगे, ऐसी संभावना है। क्योंकि केतु सप्तम स्थान के अंदर होंगे तो केतु क्या है, केतु उसको तड़प देंगे इसके पार्टनर के प्रति, ये जातक की एक्सेप्टेशन बढ़ा देंगे, इसकी भावना बढ़ा देंगे कि ये मेरा पार्टनर ऐसा ही हो ऐसा ही करे, तो ये सब जो कोई सामने वाला पार्टनर फुलफिल नहीं कर पाता है तो ये जातक मनोमन दुखी होते हैं।
तो चंद्र राहु का जो योग है ग्रहण योग, खास करके ऐसे जातकों को लाइफ के इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने में केयर करना है। ये तो जो प्रेडिक्शन है ये हमने आपको बताए, वो उपलक्ष प्रेडिक्शन बताए, लेकिन इसके अंदर चंद्र और राहु का डिग्री कितना है, कि कौन से नक्षत्र में बैठे हैं, लग्न का भी नक्षत्र क्या है, लग्न की भी डिग्री क्या है, ये सब पॉइंट्स चेक करना ज़रूरी है। तो यदि आप अपना पर्सनल हॉरोस्कोप कंसल्टेशन करवाना चाहते हैं तो नंबर अवश्य नोट करें, इस नंबर पर व्हाट्सएप भी अवेलेबल है। वीडियो पसंद आता है तो फेसबुक ग्रुप व्हाट्सएप के माध्यम से मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। पर्सनल हॉरोस्कोप कंसल्टेशन के लिए नंबर नोट कर लीजिए, नंबर इस प्रकार है 9998011838, यानी कि 9998011838। आप जहाँ भी रहो खुश रहो, प्रसन्न रहो, हेल्दी रहो, ऐसी शुभकामना के साथ मिलेंगे नए वीडियो में। जय गणेश।